इंदौर पुलिस ने बड़ी मात्रा में बन रही अवैध शराब पकड़ी है। आरोपी खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम भूरी घाटी के घने जंगलों में शराब बना रहे थे। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ड्रम कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण जिसकी कीमत कुल 38,000 रुपए जब्त की गई है उन्हें। वह सभी आरोपी गाँव के ही रहने वाले हैं। इंदौर के खुड़ेल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए 3 आरोपी और हजारों रुपए की कीमत की कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। दरअसल खुड़ेल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भूरी घाटी के घने जंगलों में कुछ लोग बड़ी मात्रा में अवैध शराब बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने टीमें बनाई जिसमें एक टीम को ग्रामीणों की वेशभूषा में वहीं दूसरी टीम पुलिस की वर्दी में थी। दोनों ही टीमें जंगलों में पहुंची तो देखा कि कुछ लोग शराब बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को चारों ओर से घेर कर दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों भारत, जितेंद्र और बंटी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं घने जंगलों का फायदा उठाकर एक आरोपी मुंशिया फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर से 230 लीटर कच्ची शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। वहीं फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। ग्राम बंजारी है, उस ग्राम बंजारी में भूरी घाटी के पास जंगल में एक नाला है। उस नाले पर शराब अवैध रूप से बनाई जा रही है और प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये जो शराब है वह जहरीली शराब है। दबिश देने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुखबिर की सूचना थी वह सत्य थी और वहाँ पर 4 लोग जो हैं वो अवैध शराब जो है बनाने की गतिविधियों में संलिप्त थे। 4 लोग में से पुलिस की टीम ने 3 को पकड़ा, चूँकि वो जंगल का एरिया था, खुला एरिया था, तो एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल हो पाया। उन 3 लोगों से बड़े पैमाने पर जो है अवैध शराब जब्त की गई है। इसमें ये जो 3 लोग हैं वे कुल मिला के एक छोटे स्तर का एक फैक्ट्री के समान जो है जहरीली शराब का उत्पादन कर रहे थे, जिसमें 2 लोहे के बड़े बड़े ड्रम मिले हैं जो कि भट्टियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इसके अलावा 230 लीटर बनी हुई कच्ची हाथभट्टी की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 22 बड़े बड़े ड्रम जब्त किए गए हैं जिनमें की जो कच्चा माल जो रहता है सड़ा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था।